नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले सियासत तेज हो चुकी है, जहां प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस में लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा था। ये संघर्ष सियासी संघर्ष था, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने सभी दलों की नींद उड़ाने का काम किया है। दरअसल बीते रोज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के दौरे पर रहे, और इस दौरान केजरीवाल ने एक बड़ा सियासी वादा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि बिजली किसानों को भी मुफ्त में मिलेगी। तो वहीं शाम होते होते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया और कहा कि उत्तराखंड में लोगों को अच्छी और सस्ती बिजली मिल रही है। धामी ने कहा कि हम चुनावों के लिए बात करने पर विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास लोगों के लिए काम करने में है। तो वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले दिल्ली की जनता से किए वादों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। बलूनी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली का वादा किया, मगर हर बिल के साथ सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज के नाम पर हर उपभोक्ता से पैसे वसूले जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में लगातार अब बिजली को लेकर यह सियासत एक अलग तरह की स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर बीते रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल देहरादून के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि यहां पर लोगों के बीच में, दो दलों के बीच में यहां की जनता पिस रही है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पिस रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल के तहत यहां पर भी लोगों को विकास की जरूरत है और उस पर उनका पूरा हक है। उसको लेकर केजरीवाल ने कहा कि हम यहां पर लोगों को मुफ्त में बिजली देंगे, 300 यूनिट ये मुफ्त में बिजली मिलेगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को लेकर, इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को अच्छी और सस्ती बिजली मिल रही है और जल्द ही लोगों को 24 घंटे भी बिजली मिलेगी। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं, तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। देखिए, हम अच्छी बिजली वहां पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहां पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले, वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहां पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। और दूसरी बात है, किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है, हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं, साझेदार के रूप में काम करे, ये हमारा एजेंडा है।
अब रुक करते हैं अपने मुद्दे का। उत्तराखंड में जो ये सियासीकरण जो देखने को मिला है, इसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। रजिया बैग हमारे साथ जुड़ चुकी है आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले जोशी जी रुख में आपका करना चाहूंगा, सवाल यह होगा कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दे देगी तो आपको समस्या क्या है? देखिए मोहित जी, 300 यूनिट बिजली अगर फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, स्कूलिंग फ्री होती है, आपकी सारी चीजें भी अगर फ्री होती हैं तो किसको बुरा लगेगा? हर व्यक्ति चाहता है कि भाई कोई भी अगर फ्री की चीज उसको सरकार दे रही है या किसी और माध्यम से मिल रही है तो बेसिकली क्या मानव का स्वभाव होता है कि इंसान तो चाहता है भाई उसके मन में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई फ्री का कोई भी माल मिले तो उसको एडॉप्ट कर लो। बहुत कम लोग होंगे कि जो मेहनत और उससे चीजों को पैदा करना चाहते हैं। देखिए प्रश्न ये खड़ा होता है, मैंने भी अपने माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने भी कल सुना भी और लाइव जो चला रहे थे मैंने देखा भी। मैंने कहा देखो एक बड़ा विद्वान व्यक्ति उत्तराखंड में आया है तो ये क्या क्या उत्तराखंड के बारे में बोलते हैं। उन्होंने देखे चार विषय कहे, उन्होंने कहा जी हम फ्री बिजली देंगे, हम यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक कराएंगे और किसानों को फ्री बिजली देंगे, पिछले जो ड्यूज हैं उसको समाप्त कर देंगे, ये सारी बातें। देखिए मोहित जी प्रश्न ये खड़ा होता है कि फ्री तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं, देने की इच्छा और सामर्थ्य भी होती है। आज देखिए उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तराखंड को सबसे पहले हमको जो है कि रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 20 वर्षों में भी अगर आप देखते हो या वैसे भी अगर आप देखते हैं तो हम लोग अभी भी 10-12 हजार करोड़ रुपया लगभग जो है कि रेवेन्यू हम लोग जो है जुटा पा रहे हैं। ये जो चीजें फ्री और ये वाला सारा विषय होता है, जब आपके पास जेब में पैसा होगा तब आप इसको दे भी सकते हैं। उन्होंने कंपेरिजन टू डेली मॉडल किया, मैंने उनका दिल्ली का मॉडल भी देखा के बातें भी सुनी कि जो उन्होंने कंपेरिजन किया, उन्होंने कहा कि मेरा बजटीय प्रोविजन 60,000 करोड़ का है, उत्तराखंड का 50,000 करोड़ का है। अब उन्होंने होमवर्क किस तरह से किया, ऊपर ऊपर किया नीचे किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की जो इनकम है, अपने रेवेन्यू जो दिल्ली सरकार कलेक्ट करती है, वो ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी अभी आए हैं तब हुई, शीला दीक्षित थी, मदनलाल खुराना थे या जो भी अन्य भी पहले जो मुख्यमंत्री भी थे, उनके 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 समय से ही दिल्ली के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट है वो लगभग तब अगर 25,000 करोड़ होगा तो आज वो बढ़ करके जिस तरह से रेशियो बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तमाम चीजें बढ़ी है, तो 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है कि दिल्ली सरकार जनरेट करती है और उसको एक संघीय व्यवस्था के तहत जो भारत सरकार और राज्यों को पैसा देना होता है उसके तहत उसको अन्य पैसा मिलता नहीं, है। आप सीधे तो उसे कहना क्या चाहते हैं, आप इसको सियासी और इसको एक चुनावी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं चुनावी वादा है ये पूरा नहीं? नहीं मोहित जी देखो मैं किसी पे इस तरह का आरोप प्रत्यारोप अभी लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई फैक्ट क्या है। उन्होंने कहा कि भाई 60,000 करोड़ रुपया अगर मेरा बजट है तो मैं 2,200 करोड़ रुपया फ्री वहां पर दे रहा हूँ, अगर यहाँ 50,000 करोड़ है तो 1,200 करोड़ रुपया दे दूंगा। ये उन्होंने जो विषय रखा था, जो लोगों को समझाया था, तो मैं उसी पे कह रहा हूँ कि भाई वहां पर 40,000 करोड़ रुपया उनका अपना बजट है, हमारा अपना बजट 12,000 करोड़ रुपया है, तो यानी डिफरेंस जो है कि 28,000 करोड़ रुपए का उनके और हमारे बजट पे डिफरेंस है, जो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दूंगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये कि देखो उनको अधिकार है, वो नई पार्टी है, वो कोई भी घोषणा करे, लेकिन प्रश्न खड़ा ये होता है कि क्या लेकिन इतना साफ की घोषणा से बीजेपी कांग्रेस दोनों की नींद उड़ी हुई है सर, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं इसको लेकर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा ही कुछ लग रहा है। मैं जोशी जी रुक नहीं, मैं अब आम आदमी पार्टी का भी रुख कर लेते हैं सर, उनकी भी जो इसको लेकर क्या राय है। रजिया बैग जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम एनबी न्यूज पर। रजिया बैग जी समझने की कोशिश मैं करूंगा कि दिल्ली का जो मॉडल है उत्तराखंड में इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा, उत्तराखंड में अनेक ऐसी चुनौतियां हैं दिल्ली में जिनका सामना कभी नहीं हुआ, हर वहां पर हर 6 महीने में भारी तबाही आती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, पानी बारिश तूफान क्या क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एक बात तो कह रही हूँ, इंसान की नीयत होनी चाहिए काम करने की, रास्ते बहुत निकल आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर रिसोर्सेज नहीं है, इनकम रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और अदर रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको किस तरीके से हमने उनका दोहन करना है, किस तरह से निकाल के लाना है, ये नियत पर डिपेंड करता है।
हमारी काम करने की नीयत है। और जब केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम किया था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शीला दीक्षित जी ने काम नहीं किया था, उनका भी काम था, लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सारी योजनाएं बनी और उन्होंने लागू किया, धरातल पर लेकर आए, वही केजरीवाल जी का है कि आज उत्तराखंड का शायद कोई मुख्यमंत्री और हमारे मिनिस्टर्स ये जानते हो कि हमारे दूर दराज इलाकों में क्या जरूरत है, लेकिन केजरीवाल जी ने इन तमाम इन दिनों के अंदर पूरे उत्तराखंड का जायजा ले लिया, पूरे उत्तराखंड की स्कीम बना ली कि किस किस तरीके से हमें यहाँ काम करना होगा, वो धरातल पर उन्होंने उतार लिया है चीजों को, और आने वाले टाइम पे मौका मिला तो वो उन्हें अगर धरातल पर उतार लिया होता मैम, तो अब सवाल ये होता कि हमारे पास जो आंकड़े हैं खासतौर पर कि हम देखें लोगों को वहां बिजली से ज्यादा रोजगार की जरूरत है। बिजली तो एक बहुत पुराना मुद्दा है, एक अलग मुद्दा, लेकिन रोजगार उससे बड़ा है। रजय बेग जी, इसी पे मैं आपका कमेंट दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।